हेलो दोस्तों, मैं राजेश वर्मा, आप देख रहे हैं रिया होम सर्विस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे स्प्लिट एसी की सर्विसिंग कैसे करते हैं, वो भी बहुत सिंपल और आसान तरीके से। तो दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में देखेंगे स्प्लिट एसी की सर्विसिंग को कैसे करते हैं, वो भी एक नॉर्मली टूथपेस्ट की ब्रश से हम एसी की सर्विसिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, ये है हमारे पास स्प्लिट एसी, इसकी बॉडी को कैसे खोलेंगे इसके बारे में। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में एसी की बॉडी को कैसे खोलते हैं इसे मैं नहीं दिखाया हूं, क्योंकि मैं एक्चुअली एक वीडियो बना चुका हूं कि एसी की बॉडी को कैसे खोलते हैं। यदि आपको बॉडी खोलना नहीं आता तो आप हमारी वो वाली वीडियो देख सकते हैं, या आप एसी की बॉडी को खोल सकते हैं। तो एसी की सर्विसिंग कैसे करते हैं, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। दोस्तों, नॉर्मली टूथपेस्ट वाली जो ब्रश होती है, जो घर पर ख़राब हो जाती है टूथपेस्ट वाली ब्रश, उससे हम एसी की सर्विसिंग कर सकते हैं। हमें एसी की सर्विसिंग करने के लिए हमें इस तरह से एक ख़राब वाली टूथपेस्ट की ब्रश की ज़रूरत पड़ेगी, दूसरी एक मग्गे पानी की ज़रूरत पड़ेगी, और इसमें तीसरी बात है दोस्तों कि ब्रश को इस कॉइल फिल्टर पे कैसे चलाना है। तो चलिए हम देखते हैं। दोस्तों, ये देखिए, ये कॉइल की फिल्टर है जिसमें हमें ब्रश को यहाँ पर इस तरह से ऐसे रखकर बिल्कुल लाइनिंग से ही चलानी है। इस तरह से ऐसे नीचे की तरफ खींचेंगे तो इसमें जो कचरा फंसा है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो दोस्तों, एसी की सर्विसिंग करना बहुत ही सिंपल और आसान है। सिर्फ इसकी बॉडी को खोलना है और ख़राब टूथपेस्ट ब्रश की सहायता से उसे पानी में भिगा कर इस कॉइल पे धीरे धीरे से एक ही सीट पे चलानी है, जिससे कि ये जो कॉइल फिल्टर है वो अच्छी तरह से क्लीन हो जाए। तो बिल्कुल सिंपल और आसान है एसी की सर्विसिंग करना। दोस्तों, ये जो मेरी वीडियो थी, अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, आपके काम आए तो इसे आगे शेयर करना। इसी तरह की और एसी से जुड़ी नई नई वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल की घंटी को भी दबाना, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। हम फिर मिलेंगे इसी तरह की एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।